गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हिंदी की क्लास टू की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर आपका वही है जो है, चैप्टर आपका टू है आह बैगन बाह बैगन। पूरी पाठ पढ़ाई जा चुकी है, आज आपको प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। पेज नंबर 14 का पेज नंबर है, आपको अब प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी खोल लेंगे और पेंसिल हाथ में ले लेंगे। कॉपी खोल लीजिए और पेंसिल अपने हाथ में लीजिए और आपको बोल बोल कर साफ साफ लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पेज नंबर 14, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? आ बैगन, ब पर बिंदु है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बा बैगन, बैगन में ब पर बिंदु है और विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो आ बैगन बा बैगन सबसे ऊपर आप लिख लेंगे और इसके बाद चैप्टर टू डाल लेंगे। आपका ये पेज नंबर 14 है, मौखिक कौशल बुक पर आपका लिखा हुआ है। बगल में क्या लिखा हुआ है? स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग मीन्स क्या हो जाएगा? मौखिक। और स्किल्स मीन्स क्या हो जाएगा? कौशल। स्पीकिंग मीन्स मौखिक और स्किल्स मीन्स कौशल। पहला प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट है आपका इन प्रश्नों, नो पर बिंदु है, के उ आधा त पूरा त र, इन प्रश्नों के उत्तर दो डैश। अच्छा, यहाँ से आप यहाँ तक पहले लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे जो है। यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड में आपको कॉपी पर लिखना है। आप बच्चों आगे बढ़िए जो है। पहला प्रश्न क्या है? अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अकबर ने बीरबल को च पर छोटी की मात्रा ची और ह के नीचे बिंदु आ की मात्रा चिढ़ाने के लिए क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा डैश। इन्वर्टेड कमा शुरू कीजिए, बीरबल विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह बैगन बहुत, हमें छोटाओ की मात्रा, बैगन पर हमेशा बिंदु देंगे, बैगन बहुत खराब सब्जी है, खड़ी पाए, तुम्हारा र पर आ की मात्रा, ह पर आ की मात्रा, म आधा, तुम्हारा क्या कहना है? प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक बार पुनः पढ़ा देता हूँ। अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा डैश, बीरबल विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह बैगन बहुत खराब सब्जी है, पूर्ण विराम, तुम्हारा क्या कहना है? प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये वाला कॉमा लगा दीजिएगा, यहाँ ये वाला कॉमा आपको शुरू करना है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड में अपने कॉपी पर बोल बोल कर लिखना है।
अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। दूसरा दूसरा प्रश्न आपका है, बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए क्या डैश क्या कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह। बीरबल ने अकबर को ख पर छोटा की मात्रा खुश करने ने पर एक की मात्रा के लिए क्या आधा क है क्या क्या कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए पहली बार कहा कॉमा डैश इन्वर्टेड कॉमा चालू है आपका, ह पर छोटा की मात्रा हो जूर विस्मयादिबोधक चिन्ह। बैगन तो इतनी खराब सब्जी है कि इसे गधे ही पसंद करते हैं, खड़ी पाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दोबारा पढ़े दे रहा हूँ, बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए पहली बार कहा हुजूर बैगन तो इतनी खराब सब्जी है कि इसे गधे ही पसंद करते हैं। अभी और है, नेक्स्ट पेज पर है, पहले इतना आप लिख लीजिए, पहले इतना आपको अपनी कॉपी पर बोल बोल कर मात्रा का ध्यान देते हुए 15 सेकेंड में लिख लेना है। अब इसी प्रश्न का बाकी वाला भाग अगला हिस्सा इसी में है, ये भी जो है उसके आगे है। खुश करने के लिए बीरबल ने दूसरी बार कहा, प्रश्न नंबर 2 ही का आंसर है ये। खुश करने के लिए बीरबल ने दूसरी बार कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, आप ठीक कह रहे हैं कॉमा हुजूर विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसीलिए तो इसे सब्जियों पर बिंदु है का राजा कहा जाता है, खड़ी पाइप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। खुश करने के लिए बीरबल ने दूसरी बार कहा कॉमा आप ठीक कह रहे हैं कॉमा हुजूर इसीलिए तो इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कहाँ से है, यहाँ से है, इसको आप लिख लिए हैं। अब आपको प्रश्न उसके नीचे आपको ये लिखना है। उसके आगे जो तीसरा प्रश्न क्या है, बीरबल ने बैगन को सब्जियों का राजा क्यों पर बिंदु कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह। बीरबल ने बैगन को सब्जियों का राजा क्यों कहा,
उत्तर उ आधा त पूरा त और अ। बीरबल ने बैगन को सब्जियों का राजा कहा क्योंकि बैगन के सिर पर मुकुट होता है। बीरबल ने बैगन को सब्जियों पर बिंदु है का राजा कहा क्यों पर बिंदु है कि क में छोटी की मात्रा की बैगन के सिर सौ पर भी छोटी की मात्रा बैगन के सिर पर मुकुट होता है। मौ में छोटाओ क में छोटाओ मुकुट होता है। यहाँ से यहाँ तक आप जो अपनी कॉपी पर बोल बोल कर 10 सेकेंड में पूरा करेंगे। अब आगे बढ़ा जाए। अब पेज नंबर 14 पर है, ये भी जो है ये क्या है आपका सेकेंड लिखित कौशल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग मीन्स क्या होता है लिखित और स्किल्स मीन्स कौशल। ल पर छोटी की मात्रा ली ख पर छोटी की मात्रा की लिखित कौशल। प्रश्न क्या है पहला प्रश्न है क। प्रश्न क आपका है अकबर किसके साथ खाना खा रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह अकबर किसके साथ खाना खा रहा था। उत्तर अकबर बीरबल और दूसरे लोगों के साथ खाना खा रहा था। ख पर आ की मात्रा न पर आ की मात्रा खाना खा रहा था। लोगों पर बिंदु है और दूसरे पर बड़ाव की मात्रा। अकबर बीरबल और दूसरे लोगों के साथ खाना खा रहा था। पूर्ण विराम यहाँ से यहाँ तक आपको 20 सेकेंड में पूरा करना है। आपका ये क्लास वर्क रहा जो कराया हूँ क्लास वर्क है। होमवर्क में क्या रहेगा होमवर्क में आपको दोबारा अगेन इन प्रश्नों को शुरू से लेकर के अंत तक जहाँ तक पढ़ाया हूँ इन प्रश्नों को बोल बोल कर होमवर्क की कॉपी में मात्रा पर ध्यान देते हुए अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। खुश रहिए एंड बी चेयरफुल और अपने माता पिता का कहा मानिए। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।